हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राजनीतिक दल के बारे में, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ आया है। हमेशा बात करेंगे विशिष्ट वर्ग से संबंधित, बात होगी इसमें विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, हम लोग इसमें विस्तार से सारी चीजें देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, संविधान में इसे कहां जगह दी गई है? तो भाग 16 में धारा कहां से कहां तक? 330 से 342 ए तक, 330 से 342 ए तक, ठीक है। तो ये क्या था इसका संवैधानिक प्रावधान, की संविधान में इसे कहां जगह दी गई है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। विशिष्ट वर्ग का आशय यहां संविधान के तहत यह निकाला गया है जो हमारे एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग होते हैं उनके प्रावधान के बारे में यहां बात की गई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी वर्ग को एससी और एसटी कैसे घोषित किया जाता है, यह अधिकार किसके पास है। तो अगर हम देखें कि किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों अथवा जनजातियों को एससी और एसटी में शामिल किया जाएगा, इसका अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे एससी और एसटी में शामिल कर सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं। यह प्रावधान संविधान ने दिया है किसे? राष्ट्रपति महोदय को, कि कोई भी जनजाति अथवा जाति, जो भी आपकी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति है, किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की है, अगर उसे एससी और एसटी में शामिल करना है अथवा नहीं करना है, यह प्रावधान संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह निर्धारित कर सकते हैं किसी भी जनजाति अथवा अनुसूचित जनजाति को। उसके बाद बात आती है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को इस तरह से प्रावधान दिया गया है तो क्या हर स्टेट में इनकी श्रेणी एक समान होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब राष्ट्रपति महोदय इसे निर्धारित करते हैं, यही रीजन है कि हर स्टेट में एससी और एसटी की जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, वह अलग अलग होती है। किसी स्टेट में देखेंगे काफी सारी आपकी कास्ट ऐसी हैं जो एससी में आएंगी, और वही कास्ट आप जाके अगर अदर स्टेट में देखेंगे या अदर यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो वो एससी से एसटी में शो करेंगी। तो इस तरह से यह राष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसे हटा कौन सकता है। तो संविधान ने यह प्रावधान भी किया है कि राष्ट्रपति महोदय एक अधिसूचना जारी करेंगे। अगर राज्य के संबंध में यह बात की जा रही है तो राज्यपाल से सलाह लेकर राष्ट्रपति महोदय एक अधिसूचना जारी करेंगे जिसके तहत संसद को केवल यह अधिकार है कि वह राज्य की जनजाति अथवा जातीय समूहों को एससी अथवा एसटी में जोड़े अथवा वहां से निकाले। तो जोड़ने और निकालने का प्रावधान संसद को प्राप्त है राज्य में, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल से परामर्श करके अधिसूचना जारी की जाती है, उस अधिसूचना के तहत यह बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं एससी एसटी ओबीसी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे एक वर्ग हमारे इंडिया में और पाया जाता है जो है आंग्ल इंडियन, जिसे हम लोग कहते हैं आंग्ल भारतीय। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स में से जो पुरुष वर्ग है, मेल जो होते हैं, उसके पिता या उसके दादा परदादा वो यूरोपियन हो, जो यूरोप से आए हों और आके भारत में बस गए हों, तो उनसे जो संतान होगी वह आंग्ल इंडियन होगी। तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में भी इन में से भी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इन्हें भी विशेष प्रावधान दिया गया है। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एससी और एसटी को क्या क्या प्रावधान दिया गया, आरक्षण कितना दिया गया है, ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया, आयोग कब आया, संशोधन कितने हुए, सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से एकदम। सबसे पहले लिखेंगे वर्गों का आधार, वर्गों का आधार कि किस आधार पर वर्ग बनाए जाएंगे, जो हम लोगों ने अभी बात की वही लिखेंगे।
हर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी लिख दे रहा हूं, यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में किन जातियों या जनजातियों को एससी अथवा एसटी में शामिल किया जाए संविधान द्वारा, संविधान द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। अब इसी का सब पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, जो सब पॉइंट कौन सा है कि क्या हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इनकी श्रेणियां समान होती हैं तो नहीं होती हैं, एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे। इस कारण हर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में एससी एसटी की सूची अलग अलग होती है, सूची अलग अलग होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट में क्या बात की गई है, उसमें हम लोग देखेंगे कि राज्यों के मामले में यह बात की गई है, राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर अधिसूचना जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं किसके लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए। ठीक, इसके लिए अधिसूचना जारी करते हैं। तो अब बात आती है कि अधिसूचना क्यों जारी करते हैं, एससी एसटी के लिए तो करते हैं, इसमें एससी एसटी का प्रावधान क्या है, तो वो हम लोग लिखेंगे, सब पॉइंट बनाएंगे, ये एरो लगाएंगे सब पॉइंट का और हम लोग लिखेंगे अधिसूचना में किसी एससी एसटी को जोड़ना या हटाना। ठीक, जोड़ने ऐसे करके लिख लेंगे, या तो जोड़ने या हटाने का काम केवल कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, पार्लियामेंट, केवल संसद कर सकती है। संसद का मतलब यह है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति की भी इसमें क्या होती है, भागीदारी होती है संसद में, और जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनके माध्यम से यह निर्णय लिया जाता है कि किस कास्ट को एससी में शामिल किया जाए या एसटी में शामिल किया जाए या फिर किस कास्ट को इससे बाहर किया जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, चीजें लिख भी लिए होंगे, इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर मैंने लिखा है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं आगे थर्ड पॉइंट में। अब आएगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत हम लोग बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन, नोट डाउन करिए फिर बात करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं इसे।
आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट तो हो गया इसका, थर्ड हो गया, अब बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। 102वां संविधान संशोधन के तहत संघीय क्षेत्रों में बदलाव किया गया था, लिखेंगे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया कब था, 2018। आप लोग याद करिए जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जाति तथा जनजाति समूह के बारे में, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में, तो इस संशोधन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी जब एससी को एसटी से अलग किया गया था, 2003 में प्रावधान लाया गया था। तो इसी तरह से ना सारे आप लोगों को संविधान संशोधन इसमें मिलने वाले हैं। और जो लोग संविधान संशोधन को ना समझते हो, काफी सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या बात की गई, 43वें संविधान संशोधन के तहत क्या बात की गई, 86वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान है, या फिर कोई भी आर्टिकल दे देगा पूछेगा कि यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। तो अगर इस चीज में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, याद ना हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और संविधान संशोधन के नाम से एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा आपके संविधान वाले प्लेलिस्ट में, तो उसे आप लोग जरूर देख लेंगे। 15 से 20 मिनट का सॉरी आपका वो वीडियो है और उस वीडियो में मैंने सारे संशोधन एक बार में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें क्या कहा गया था, ने किसी राज्य का संविधान संशोधन ने किसी राज्य का संघीय क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने एवं विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया है। मतलब इसे समझेंगे, जो हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया था, इसके तहत यह बात की गई कि किसी राज्य या संघीय क्षेत्र में जो ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वर्ग हैं, उनकी पहचान करना, उन्हें विनिर्दिष्ट करना, मतलब उन पर ध्यान देना, उन्हें समझना, इस कार्य के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया 102वें संविधान संशोधन के तहत। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा ये बात। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, आंग्ल भारती, हम लोगों ने इसमें बात किया था, आंग्ल भारती, ठीक। इन्हें क्या किया गया है कि जो ऐसे व्यक्ति जिनके पुरुष वर्ग में से उनके दादा परदादा अथवा उनके पिता में से कोई भी व्यक्ति जो यूरोपीय रहा हो, यूरोप का रहा हो और आके भारत में बस गया हो, और यहां पर उसे जिस संतान की उत्पत्ति होती है उससे वह संतान आंग्ल इंडियन कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय, मतलब कि वह अंग्रेज भी होता है और वर्तमान में स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा है, यहां का निवासी है, यहां का वह नागरिक बन चुका है, तो उसे लोकसभा में और राज्यसभा में भी उस वर्ग समूह से दो एक व्यक्तियों की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन्हें भी जिस तरह से एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है,
उसी तरह से आंग्ल भारती को भी आरक्षण दिया गया। तो उम्मीद करता हूं इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। एक वर्ड में लिख देता हूं कि यूरोपीय पुरुष वर्ग होना चाहिए, यूरोपीय पुरुष वर्ग होना चाहिए इसके लिए, ठीक। उम्मीद करता हूं यह क्लियर हो गया होगा, इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं विशेष प्रावधान के अंग, अब देखेंगे क्या क्या विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं विशेष प्रावधान के अंग। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है क्या लिखेंगे हम लोग, विधायिकाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान दिया गया है। कैसे, किस आधार पर, आबादी के आधार पर, आबादी अर्थात पॉपुलेशन जनसंख्या, आबादी के आधार पर विशेष प्रावधान के तहत यह बात की जाती है कि इन्हें जो हमारे एससी और एसटी वर्ग हैं इन्हें तो आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट जो हमारे आंग्ल इंडियन हैं उनको क्या किया जाएगा, उन्हें विशेष प्रावधान के तहत क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक तौर पर इनके लिए प्रावधान लाए जाते हैं और इन्हें हर चीज में छूट दी जाती है। जिस तरह से आरक्षण होता है वही चीज है, बट इसमें संवैधानिक लैंग्वेज का यूज हुआ है, जो विशेष प्रावधान है यही विशेष प्रावधान हम लोग आरक्षण को भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बात की गई है नौकरी के बारे में, देखेंगे नौकरी एवं पदों के लिए, नौकरी एवं पदों के लिए एससी एसटी का दावा, इसके लिए जो अनुच्छेद है वह कौन सा है, 335। अब इसी सेकंड का एक सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि यह जो दावा के लिए 335 335 अनुच्छेद जोड़ा गया था यह कब जुड़ा था, वो बात कैसे की गई है। तो 2002 के 82वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के 82 नंबर के संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट होता है कि यह पूछ लेगा कि नौकरी एवं पदों के लिए एससी एसटी का दावा मतलब आरक्षण जो है वह कब से जुड़ा था, तो 2002 के 82वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, आंग्ल भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान, आंग्ल भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान। जिस तरह से एससी एसटी को प्रावधान दिया गया है नौकरी में, उसी तरह से आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान दिया गया है किसमें, नौकरी करने के लिए। तो वह किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 336 के तहत, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान। आर्टिकल कैसे याद करेंगे कि जो एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया वह 335 335 था और यह एक जुड़ जाएगा इसमें 336 335
36। तो ऐसे करके आप लोग जोड़ लेंगे कि जो एससी एसटी है वह भारतीय है सबसे पहले, तो इसमें अंग्रेज का नाम नहीं जुड़ा है, तो यह सबसे पहले आएगा 335, और जो हमारे आंग्ल भारतीय हैं वह 336 के तहत आएंगे। क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, एससी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग, यह इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे एससी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को उस वीडियो में, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी एससी एसटी से संबंधित, तो वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। ये आयोग से संबंधित था ये, ठीक है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग, वो वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि एससी एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वह आयोग कब आया था, तो इसी का क्या करेंगे, सब पॉइंट बनाएंगे चौथे पॉइंट का, और सब पॉइंट में लिखेंगे 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89 नंबर का जो संविधान संशोधन आया 2003 में, उसके तहत बात की गई है 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें स्पेसिफिक तौर पर बात करेंगे जो एससी हैं उनके लिए क्या किया गया, अलग अनुच्छेद लाया गया, और एसटी और उनके साथ में आंग्ल भारतीय, एसटी और आंग्ल भारतीय के लिए अलग अनुच्छेद है और एससी के लिए स्पेसिफिक तौर पर अलग से है। तो लिखेंगे कि जो एससी है, एससी के लिए जो अनुच्छेद आया वह 338 338, और एसटी प्लस आंग्ल भारतीय के लिए, एसटी प्लस आंग्ल भारतीय के लिए जो प्रावधान लाया गया था, जो अनुच्छेद लाया गया वह था 338A, इसी का सब आर्टिकल कर दिया गया 338A, ये अनुच्छेद लाया गया इनके लिए। इसे आप लोग क्या करेंगे, अब नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा पांचवें पॉइंट की, ठीक है, इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सही है, समझ गए होंगे आप लोग, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, लिखने की ही जरूरत है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं आगे के बारे में, ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी जल्दी, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी, परेशान मत होइएगा आप लोग। आइए बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे किस पॉइंट के बारे में, जो हमारा पॉइंट है पांचवा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी और यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि जितने वीडियो बनाते हैं सारे वीडियो में बोलते हैं कि क्वेश्चन बनेगा, मेरे भाइयों मैं वही चैप्टर ही लेके आता हूं जहां से क्वेश्चन बने, क्यों, क्योंकि आप लोगों का टाइम खराब करना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है कि आप लोग सही वे में प्रिपरेशन अपनी करते रहें जिससे कि सिलेक्शन जल्दी हो आप लोगों का, वरना टाइम वेस्ट करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हैं यूट्यूब पे। आइए बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, ये क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इंपॉर्टेंट है, चीजें लिखेंगे एकदम इजी वे में और याद करेंगे। आइए लिखते हैं, 1993 में संसद के, 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, संसद के एक अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, इस आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, स्थापना की गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका क्या लिखेंगे,
एक पॉइंट और इसमें निकल के आएगा और वह पॉइंट कौन सा है हमारा, बाद में 102वें संविधान संशोधन द्वारा, समझाऊंगा इसे मैं, बाद में 102वें संविधान, 102वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 2018, अभी हम लोगों ने देखा था, 102वें संविधान संशोधन 2018 में वैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक दर्जा मिला या वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या बात करेंगे, अनुच्छेद कौन सा है, 338B, ये क्या है, अनुच्छेद है इसका, ठीक। पांच पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। बात करेंगे कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, यह बना कब, ये फाउंडेशन पूछ लेता इसका, तो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, संसद का अधिनियम था, ठीक है, इसे याद रखेंगे, संसद हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या हुआ, इसका गठन हो गया, लेकिन इसे क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा या मान्यता नहीं दिया गया था। तो क्या किया गया कि बाद में 102वां संविधान संशोधन 2018 में करके इसे वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया 338B। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे छठवें पॉइंट की। छठवां पॉइंट है SC क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण, SC क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण, ठीक है, SC क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण और ST का कल्याण एवं ST का कल्याण, इसके लिए जो आर्टिकल जुड़ा 339 ये आर्टिकल जोड़ा गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो तीन पॉइंट है, पहले उसे सही तरीके से लिख लेंगे, आइए लिखते हैं। पहला पॉइंट है 1960 में UN ढेवर के अध्यक्षता में क्या आई थी, एक समिति आई थी, उस समिति के बारे में बात करेंगे। उस समिति पर कोई सिफारिश नहीं की गई थी, फिर सेकेंड टाइम में जो समिति लाई गई उस समिति के तहत क्या हुआ इसके बारे में बात की गई, लिखेंगे। 1916 में VN ढेवर की अध्यक्षता में, 1960 में UN ढेवर या ढेवर, आप लोग अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, जिनकी अध्यक्षता में कोई समिति गठित की जाती है उनका नाम पूछ लेता है, और यह पूछ लेता है कि UN ढेवर की जो समिति 1960 में आई थी वह किस लिए लाई गई थी, ठीक, या फिर उसकी सुनवाई हुई थी अथवा नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि SC ST क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं ST का कल्याण, इसके लिए यह समिति लाई गई थी। तो 1960 में UN ढेवर की अध्यक्षता में, क्या किया गया था, आयोग का गठन, किया गया, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1960 में इसका गठन किया गया, लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी कब, 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। इसका सब पॉइंट है कि जो दूसरी समिति आती है उसके बारे में बात करेंगे, 2002 में सेकेंड पॉइंट आता है, 1960 में एक समिति आई थी उसके बाद दूसरी आती है कब, 2002 में, किसके अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया, की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की
2004 में प्रस्तुत की, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये पॉइंट थे किससे संबंधित, इसी क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं एसटी का कल्याण करने के लिए क्या हुआ 1960 में, सबसे पहले यूएन ढेवर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की। देखिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आशय यह है कि जो आयोग या समिति गठित की जाती है वह कैसे कार्य कर रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट एक साल की वह क्या करता है, पेश करता है संसद में। तो यही रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा कौन सी रिपोर्ट है, एफआईआर वाली रिपोर्ट नहीं है ये। ठीक है, बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो ये पहली जो 1960 में आई, किसकी अध्यक्षता में, यूएन ढेवर की, यही याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड आई 2002 में, किसकी अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में पेश की। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे पिछड़े वर्ग की स्थिति के बारे में। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी और वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए वीडियो अगर सही लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धीरे धीरे हमारा यूट्यूब परिवार आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट आप लोगों के पॉजिटिव आते हैं इसलिए चीजें अच्छी लगती हैं पढ़ाने में भी। अब धीरे धीरे हमारा पॉलिटिक्स खत्म ही होने वाला है, इसके 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री ले आऊं या फिर हिस्ट्री के पहले इकोनॉमिक्स लेके आऊं, अर्थव्यवस्था या फिर हिस्ट्री, जो आप लोगों को सही लगे वो बताइए। सारे आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे पढ़ाए जाएंगे, अकेले हूं इसलिए चीजें टाइम लगेगी बताने में, बट सारे सिलेबस कवर होंगे यूपीएससी लेवल के आपके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, हम लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग किस पॉइंट की, सातवें पॉइंट की। ठीक है, जो हमारा सातवां पॉइंट कौन सा है, पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच। पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच, पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। आयोग की नियुक्ति मतलब पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है इसके बारे में चीजें पता करने के लिए क्या किया गया, आयोग की नियुक्ति की गई। बात करेंगे कितने आयोग आए थे, आइए पहला पॉइंट देखेंगे। 1953 में आप लोगों ने काका कालेलकर का नाम सुना होगा, अब उनका नाम आने वाला है, यहीं से जुड़ा है। 1953 में किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में क्या हुआ था, रिपोर्ट 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग लाया गया। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, सब पॉइंट लिखेंगे। रिपोर्ट 1955 में पेश की या प्रस्तुत की और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, कोई कार्यवाही नहीं हुई, समझ रहे हैं आप लोग कि 1953 में काका कालेलकर ने एक क्या किया, आयोग का गठन किया अपनी अध्यक्षता में 1953 में, किसके लिए, पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग बनाया गया। तो जो काका कालेलकर के द्वारा बना था 1953 में, यह आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार लगाइए खट से क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पहली समिति हो गई, बात करेंगे सेकेंड की। सेकेंड में बात करते हैं कि दूसरे आयोग का गठन कब किया गया,
1979 में दूसरे आयोग का गठन 1979 में किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनी, ठीक है, दूसरा आयोग बना। अब बात करेंगे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। सब पॉइंट है इसका, ये इसका सब पॉइंट था और सेकंड वाला इसका सब पॉइंट है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की, ये इंटरेस्टिंग है, यहां बीपी सिंह का नाम आएगा। अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की, मतलब ये आयोग आया कब? 1979 में, और एक साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की संसद के समक्ष। अब इसका जो सेकेंड सब पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंग है, और यहां से जो हमारे ओबीसी वर्ग के हैं तो उनके बारे में विशेष प्रावधान किया गया, जो उन्हें 27% का आरक्षण दिया गया है। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है तो वीपी सिंह क्या करते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण ला देते हैं। तब जाके क्या हुआ, यह समिति चर्चा में आई। कौन सी समिति थी? वह बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाई गई समिति जो 1979 में बनी थी। देखिए जिस तरह से काका कालेलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, कब? 1953 में। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी तो उसके बाद क्या प्रावधान किया गया कि दूसरी समिति का गठन किया गया 1979 में। किसके लिए? इसकी जांच के लिए, ओबीसी वर्ग की स्थिति की जांच के लिए। तो इनकी भी रिपोर्ट पेश हुई 1980 में, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई 10 साल तक। लेकिन यह रिपोर्ट आपकी रद्द भी नहीं की गया, किया गया यह आयोग। क्या किया गया कि जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग लाया गया, कब? 1979 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 में। तो इस पर विचार चल रहा था, इसे स्थगित नहीं किया गया था। किसकी तरह? काका कालेलकर की जो समिति आई थी, जो आयोग आया था, वो स्थगित कर दिया गया था, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। लेकिन बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो लाया गया 1979 में, 80 में रिपोर्ट पेश किया, इस पर क्या हुआ, वाद विवाद या इस पर विचार चल रहा था। तो अचानक से 10 साल बाद क्या होता है कि 1990 में सरकार आती है बीपी सिंह की, तो उन्होंने एक विशेष प्रावधान दे दिया, आरक्षण ला दिए। वो किसके लिए? ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण ला दिए। तभी यह समिति चर्चा में आई थी। यह हमेशा पूछता है, कौन सी समिति? बीपी मंडल की अध्यक्षता वाली समिति पूछता है कि ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण किस समिति के तहत दिया गया? तो वह समिति थी बीपी मंडल की अध्यक्षता वाली, जो 1979 में लाई गई थी। तो इसे हम लोग सही तरीके से सॉरी लिखेंगे। इसके अनुशंसाओं पर भी विस्तार से लिखेंगे, इसकी अनुशंसाओं पर भी उन्नीस सौ नब्बे में वीपी सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर बोल लेंगे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले
किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बात करेंगे इस पर। देखिए कोई कभी कभी आप लोग देखते होंगे काफी सारी समितियां संस्थाएं अथवा कानून आते हैं जिन पर विशेष ध्यान प्रेजेंट टाइम में नहीं दिया जाता। जब उससे संबंधित कोई बात आगे होती है तो वह जो समिति अथवा कानून होता है वह चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हुआ किसके साथ? बीपी मंडल की अध्यक्षता वाली समिति के साथ, आयोग के साथ। यह हुआ कि जब यह लाई गई 1989 में तो इस पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है तो वह सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के आरक्षण की घोषणा कर देते हैं। तो जब वह घोषणा की जाती है 27% की, तब जाके वीपी मंडल की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, जो आयोग था, वह चर्चा में आता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 27% का आरक्षण घोषित किया गया, आरक्षण किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा ओबीसी के लिए क्या किया गया, घोषित किया गया 27% का आरक्षण वीपी सिंह के द्वारा 1990 में, या किस समिति के माध्यम से किया गया? इस आयोग पर चर्चा करके, वीपी मंडल के आयोग पर चर्चा करके यह आरक्षण लाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही हो, तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।